यह है सॉलिनॉइड, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परिनालिका। परिनालिका क्या होती है? ये कोई एक इंसुलेटर है जिसके ऊपर की कॉपर की वायरिंग की हुई है, ठीक है। हर एक वायरिंग जो है आपस में एक दूसरे से इंसुलेटेड है, यानी कि एक वायर जब दूसरे के पास गुजरता है तो वो शॉर्ट नहीं होता, पर ही वो टच कर रहा हो, ठीक है। तो इसके अंदर जो करंट फ्लो करता है वो हम यहाँ से फ्लो कराते हैं। ये जो दो टर्मिनल है, एक से करंट इन होता है और एक से बाहर होगा। पावर सप्लाई जो है इसकी, यानी करंट कहाँ से आएगा? ये जो पावर सप्लाई है इसके अंदर दो टर्मिनल है, इसको जब हम जोड़ते हैं, जैसे कि पॉजिटिव वाला इधर और नेगेटिव वाला इधर, तो इसके अंदर क्या होगा? करंट फ्लो करेगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा, तो उसके लिए हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि इसके अंदर हम रख क्या रहे हैं। ये है CRT ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। ये क्या चीज़ है? कैथोड रे ट्यूब। इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन गन है पीछे, इलेक्ट्रॉन गन है जहाँ से इलेक्ट्रॉन की बीम निकलती है। उस इलेक्ट्रॉन बीम को हम यहाँ पर फोकस करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बीम जो निकलती है उसको एक्सीलरेटेड करने के लिए यहाँ पर एक्सीलरेटर लगा रखे हैं। ये जो आपको दिख रही होगी प्लेट्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये क्या है? एक्सीलरेटर, ठीक है। और इसको फोकस करने के लिए इसके अंदर ये छोटे छोटे जो सिलेंड्रिकल आपको दिख रहे होंगे, यहाँ से ये फोकस होती है ना। फोकस होके आपको एक पॉइंट के रूप में यहाँ पर दिखाई देगी, यानी बीम के रूप में दिखाई देगी। तो इलेक्ट्रॉन बीम वहां से निकल के यहाँ आती है और यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिखती है। ये जो स्क्रीन है ये है वाइट कलर की। अगर ये वाइट नहीं हो तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रही होगी, इलेक्ट्रॉन बीम अगर यहाँ आ रही होगी तो हमें पता नहीं चलेगी, क्योंकि ये जो वाइट है ये क्या है? फॉस्फर मतलब ये होता है अपने एक ऐसा मटेरियल जिसके अंदर की जब इलेक्ट्रॉन टकराता है तो लाइट निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वाइट पोर्शन है, जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बीम टकराएगी तो क्या होगा? यहाँ पर आपको एक स्पॉट दिखाई देगा, समझ गए? जैसे इसको हम चला के देखते हैं, नहीं, इसमें पावर सप्लाई के अंदर देखो, एक तो है एक्सीलरेटिंग का बटन, एक है फोकस का और एक है इंटेंसिटी का। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जैसे कि ये, और मैं इसको जीरो कर देता हूँ, मैंने इसको वाई शिफ्ट पर रख रखा है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बीम जब निकल रही होगी तो आगे वाला जो पोर्शन है, एक मिनट पीछे से निकाल लूंगा, ये जो चौड़ा वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या लगा रखी है? प्लेट्स लगा रखी है, एक्स प्लेट और वाई प्लेट। तो जब मैं इसको एक्स पर रखूंगा तो यहाँ जो वोल्टेज मैं लगा रहा हूँ, यहाँ से एक्स प्लेट पर रखने के बाद जो वोल्टेज लगा रहा हूँ वो कहाँ लगेगा? एक्स प्लेट पर। यानी वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन बीम डाइवर्ज जो है डाइवर्ज होगी, मुड़ेगी, मतलब अपनी ओरिजिनल पाथ से मुड़ेगी और यहाँ पर आपको लाइन के रूप में दिखाई देगी। आप चाहो तो देख सकते हो, अभी कैसे दिख रही है आपको? डॉट, एक डॉट के रूप में दिख रही है, लेकिन जैसे ही मैं इसको एक्स पर रखता हूँ और मैं एक्स शिफ्ट लगाता हूँ तो ये देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? वो तो इसको पीछे से घुमा, पीछे से तू बाहर निकाल दे, ये तो कोई दिक्कत नहीं, ओरिएंटेशन की बात है। प्लेट्स तो इसके अंदर फिक्स है, जैसा घुमाओगे वैसा उसके साथ घूमेगी, है ना। तो ये चीज़ तो यहाँ से आपको दिख रही होगी, ये जो लाइन आ रही है इलेक्ट्रॉन की बीम है जो कि ऐसे फैलते हुए आ रही है, क्योंकि दो प्लेट्स है यहाँ पर, एक्स प्लेट जिसके ऊपर हमने वोल्टेज लगा रखा है पॉजिटिव वोल्टेज, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन बीम आगे जाके फैल रही है, तो यहाँ पर आपको वो दिख रही लाइन के रूप में, समझ गए। अब आपको क्या करना है, जैसे कि एक्स प्लेट पर रख रखा हमने, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने एक जो लाइन खींच रखी है, ये लाइन ये शो करती है कि ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, यानी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मैंने कंपास रखे इस लाइन को सेट कर रखा है। आपको इस सोलेनॉइड को इसकी डायरेक्शन में रखना है, सबसे पहले कहाँ रखना है? इसकी डायरेक्शन में, इस लाइन के पैरेलल, यानी सोलेनॉइड की एक्सिस वो होगी जो कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ साउथ, समझ गए। ये रखने के बाद क्या होगा कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इसको प्रभावित नहीं करेगा, इतना समझ आया। उसके बाद ना आपको क्या करना है, अब यहां पर आपको क्या करना है, सोलेनॉइड के अंदर करंट फ्लो कराना है। तो यहां पर आपने लगाया ये सोलेनॉइड के दो टर्मिनल कनेक्ट करके, अब यहां से जब आप वोल्टेज होगे तो इसमें करंट फ्लो करेगी। हमें क्या करना है, जैसे ही हम करंट फ्लो कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की सहायता से हमें इस इलेक्ट्रॉन बीम को वापस
क्या करना है, उसी पॉइंट पे उसी पोजीशन पे लेके आना है जो इनिशियल पोजीशन पे था। समझ में आ रही है? यहाँ से आप क्या करो, करंट बढ़ाओ, यहाँ वोल्टेज लगा रहे हैं तो यहाँ करंट की फॉर्म में, तो देखो जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ ये लाइन जो है, अभी मैं वायर पे ले लेता हूँ क्योंकि ये एक्स प्लेट इसका काम नहीं करता, मैं वायर पे लेके देखता हूँ। आप क्या करो, हर बार जैसे एक फिक्स्ड लेंथ की लेना, जैसे 2 सेंटीमीटर की ले लिया आपने, मैं एक अंदाजन मानते हुए कि ये 2 सेंटीमीटर की है, ये लाइन ले ली। अब आप क्या करोगे, इसको घुमाओ, घुमाने से क्या होगा, वोल्टेज लगा रहे हो तो वो लेंथ छोटी हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, और कन्वर्ज होकर आपको एक डॉट के रूप में वापस मिल रही है, वही पोजीशन वापस आ रही है। तो समझ आ गया? तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने ये वोल्टेज जो है, ये कौन सा वोल्टेज है, ये वो वोल्टेज है जो कि इलेक्ट्रॉन बीम पर लग रहा था। इसको आप नोट कर लो, जैसे कि आप इसको सेट कर लो किसी एक वैल्यू पर, करंट लगाने से पहले ये सब काम करना होता है। आप क्या करो कि एक बार वापस करंट को जीरो करके, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, एक्स ये वाई, हमने वाई पे रख रखा ना, वाई नोट पर, तो वाई वाले से आपने इसकी लेंथ ले ली स्केल से, आपके पास स्केल है, स्केल की सहायता से आप क्या करो, 2 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लो। तो ये 2 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। इस वक्त ये वोल्टेज जो है आप नोट कर लो, जैसे कि हमारे यहाँ मिनिमम वोल्टेज अभी 700। अब देखो सर, ये वोल्टेज बढ़ाने से पहले नोट करना है, ये 0 से 200 वोल्ट है, ठीक है, 200 वोल्ट में आ रहे हैं 10 खाने, तो एक खाना कितना हो गया 20 वोल्ट का, तो अभी ये है 720 वोल्ट पर, तो 720 वोल्ट पर हमने क्या किया, ये 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। अब आप क्या करोगे, इसको वेरी करो और वापस इनिशियल पोजीशन लेके आओ जो कि डॉट के रूप में होगी, ये डॉट वाली पोजीशन लेके आओ। ये करंट की वैल्यू जो है आपको यहाँ से मिल जाएगी, कितनी करंट आ रही है वो आपने नोट कर ली, समझ गए? तो आपने ये करंट नोट कर ली, ये वाली पोजीशन लेके आ गए, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है आपको, एक्स प्लेट पे ले जाके वही जो है प्रक्रिया वापस करनी है, फिर से 2 सेंटीमीटर की लाइन खींचना, पहले आपको करंट को जीरो करना है फिर से, और एक्स पे ले जाओ और 2 सेंटीमीटर की लाइन खींचोगे, इस बार एक्स शिफ्ट से खींचोगे, और फिर क्या करोगे, वापस करंट लगाओगे और डॉट लेके आओगे, और ये पोजीशन करंट की यहाँ से आप नोट कर लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, फिर अगला सेट जो होगा उसमें वोल्टेज को बढ़ा लेना, अभी कितना 720 था, फिर 740 ले लेना, 740 पे फिर से आप क्या करोगे, 2 सेंटीमीटर की लाइन खींचोगे, फिर से आप वाई शिफ्ट पे ले जाओगे, करंट लगाओगे, डॉट बनाओगे, और इस प्रकार से आपको हर बार रीडिंग लेनी है, 8-10 रीडिंग ले लेना, ठीक है। ये है प्रैक्टिकल सर, उसमें